मॉर्निंग गाइस, अभी रॉक्सी मेरे पास आ चुके हैं नीचे से। आज का ब्लॉग रॉक्सी से स्टार्ट करेंगे और 8 बज चुके थे तो मैंने ब्लॉग पोस्ट कर दिया है, आप देख लेना। बहुत से लोगों ने देख लिया होगा क्योंकि ये तो उसके बाद का ब्लॉग है। अभी आज मुझे जॉब 9 बजे निकलना है तो जल्दी से फ्रेश होकर रेडी होते हैं और जॉब चलते हैं। फिर शाम को मिल के जो जो होता है एक्टिविटी, अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी सब दिखाऊँगा एक एक करके। अब धीरे धीरे मेरे को अच्छा सा लग रहा है क्योंकि मज़ा आ रहा है कैमरे के आगे बोलने में और व्लॉग शूट करने में अच्छा सा लग रहा है। होप सो कि अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखा पाऊँ। जब तक ये रॉक्सी ना, ये रॉक्सी ये जल्दी ही मिलते हैं। ओए ओए बस भाई सर, अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ जॉब के लिए और नहाने के बाद एकदम फ्रेश फील हो रहा है ना, क्या बताऊँ। मॉर्निंग में जल्दी जल्दी नहा लो, दिन भर की सारी टेंशन एकदम खलास। और पीछे जो सामान देख रहा है उसको माइंड मत करना क्योंकि अभी वो मैंने बिल्कुल सेट नहीं किया है, सब कुछ ऐसे फैला हुआ है। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर दिखाऊँगा आपको। और फिश टैंक भी काफ़ी पानी पीला हो रहा है और स्पंज उसका फ़िल्टर सब साफ़ करना है। सब कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगा आपको, संडे मतलब कल संडे है तो संडे में सब एकदम शूट करूंगा। सफाई वफाई जितनी भी चीज़ें की संडे का पूरा व्लॉग आपको दिखाऊंगा, कोशिश कर पाऊंगा पूरा व्लॉग दिखाने की। और अभी जल्दी से रेडी होते शूज़ पहन के बाल बना के निकलते हैं जॉब के लिए। गाइस यार, अभी मैं रेडी तो हो चुका बिल्कुल, मैंने बैग भी ले लिया, अपना हेलमेट भी ले लिया और चल रहे हैं जॉब। और ये बहन का रूम है, बहन के रूम में भी काम चल रहा है ये वाला। और यहाँ नानी मस्त भजन सुननी नीचे बैठ के और हम चल रहे हैं नीचे से चाबी लेते हैं अपनी और बाइक स्टार्ट करते हैं। सर, अभी मैं जॉब से ऑफिस से मतलब जल्दी आ गया क्योंकि अमन भाई ने मतलब पहले तो यार प्लान कैंसिल हो गया था, फिर मतलब जैसे उन्होंने बोला कि हाँ हम जा रहे हैं और हम जा रहे हैं हरिद्वार। हरिद्वार का ब्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल आज का ब्लॉग कंप्लीट करते हैं। और जैसे ही मैं आया रॉक्सी तुरंत मेरे पास आ गई और मैं हरिद्वार निकल रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता क्योंकि अभी जल्दी से पहले मतलब पैकिंग कर लेते हैं अपने जो भी मतलब एक दिन का अप डाउन करेंगे। पर मेरे को वहाँ पर जो लेने जाना है हरिद्वार में मेन चीज़ वो मैं आपको वहीं दिखाऊंगा, मैं क्यों जा रहा हूँ और मेरे को वहाँ से क्या चाहिए था वो मैं वहीं दिखाऊंगा आपको। और अभी जल्दी से पैकिंग करते हैं, उसके बाद मेरे को जिम भी निकलना है क्योंकि आज सुबह मैं जिम नहीं जा पाया था क्योंकि जॉब में 9 बजे की थी। जिस दिन 11 बजे की होती है उस दिन मैं सुबह मॉर्निंग में अपना वर्कआउट कम्प्लीट करके उसके बाद जॉब जाता हूँ। अभी पहले पैकिंग करते हैं, उसके बाद जल्दी से हम करते हैं जाने की तैयारी। भाई सर, मैंने सोचा अभी पैकिंग आके कर लेंगे, पहले जल्दी से अपना जिम का वर्कआउट फिनिश कर लेते हैं। तो मैंने जिम के लिए रेडी हो गया, ले लिया अपने। आज मेरा शोल्डर और लेग का वर्कआउट है और ये बहन की भी तैयार हो गई है रूम की अलमारियाँ। और जल्दी से अभी जिम की तरफ चल रहे हैं, लाइट ऑफ कर दो, बिजली बचानी चाहिए क्योंकि चल। गाइस सर, अभी मैं जिम में आ चुका हूँ और जिम में आपको पता ही है मैं कहाँ पर आके ये वाली बात आपसे करता हूँ, चेंजिंग रूम में, क्योंकि बाहर गाने बज रहे होते तो आवाज़ मतलब रिकॉर्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आवाज़ तेज होती है उससे फिर या तो गाने की आवाज़ रिकॉर्ड होगी या मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होगी, एक ही आवाज़ रिकॉर्ड हो सकती है और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। मे भी अभी भी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी आवाज़ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको मैं जल्दी ही सॉल्यूशन निकालूंगा वायरलेस माइक लेके। जब तक अभी स्टार्ट करते अपना वर्कआउट और दिखाते हैं आपको। भाई जान, मैं जिम से आ गया था, मैं जिम में मतलब अपने एंड का और जो मैंने वर्कआउट किया उसका शूट मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि एक तो मेरा दोस्त नहीं था मेरे साथ शूट करवाने के लिए और दूसरा मेरे को लेट हो रहा था, मतलब पैकिंग भी करनी थी अपनी हरिद्वार निकलने के लिए और नहाना भी था, रेडी भी होते क्योंकि 8 बजे तक मेरे को निकलना था और 8 बज चुके हैं, मैं लेट हो चुका हूँ। जो मेरे साथ जा रहे हैं अमन भाई और लोग जा रहे हैं तो मेरा वेट कर रहे हैं उनके लिए भी, मेरे मतलब उनके पास मेरे को जाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी शूट कर रहा हूँ। और मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, और मैं रेडी भी हो चुका हूँ एकदम। और जल्दी से अभी हरिद्वार की ट्रिप के लिए हम निकल रहे हैं तो मेरे को ब्लॉग को यहीं पर एंड करना होगा। नेक्स्ट ब्लॉग आप मेरा यहाँ घर से जाते हुए
हरिद्वार से आते हुए, मतलब एंड पूरा देखेंगे, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कंप्लीट हरिद्वार, मतलब क्या क्या करता हूँ मैं हरिद्वार में, कैसे कैसे यहाँ से जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, सब कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको अपनी पैकिंग दिखा देता हूँ, जो मैंने अपने कपड़े यहाँ पर, नानी मस्त अपना नाटक देख रही है बैठ के, मम्मी का फ़ोन, मेरे मम्मी का फ़ोन, और अभी मैंने इस बैग में अपनी पैकिंग कर ली है, और मैं अपना मतलब एक ये रखना भूल गया था मैं, इनके रास्ते में पहले को ठंड लगे इसलिए मैंने ये भी ले लिया है। और अब मैं ब्लॉग का एंड यहीं पर कर रहा हूँ, होप सो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पर हरिद्वार वाले।